आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है। अपनी स्किन को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं और इस बदलते मौसम में स्किन केयर कैसे करनी है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अमित वैद, जो कि लेजर एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। सबसे पहले इनसे रूबरू करते हैं आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी। सर, जिस तरह से हम टाइम टू टाइम आपसे इस पे चर्चा करते ही रहते हैं कि हमें किस तरह से स्किन को हेल्दी रखना चाहिए, और जिस तरह का मौसम बना है इस समय, धूप का कहर जो है वो बरपता जा रहा है, स्किन बर्न हो रही है, कई सारे स्किन इश्यूज हो रहे हैं, एलर्जीज हो रही हैं, तो इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं और क्या कुछ कमियाँ खामियाँ हम ही उसको जो बरतते हैं तो क्या कुछ कहेंगे? बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। इस मौसम में जो कि बरसात का मौसम है, तो हमने देखा है तो सबसे डेडिकेटेड हमारा जो ऑर्गन है वो स्किन ही है। तो इसमें क्या होता है, जब आपको पसीना आता है इस मौसम में बार बार, तो आप क्या करते हैं, एक अपना नैपकिन पॉकेट से या पॉकेट से निकाल के, या फिर छोटा नैपकिन जिसको बोलते हैं, उसको आप रगड़ना स्टार्ट करते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपकी स्किन पहले ही मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर चुकी है। जब आप रगड़ते हैं तो एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, जिसको ऊपर वाली परत बोलते हैं, तो वो उतर जाती है। फिर आप बोलते हैं जी हम किचन में जाते हैं हमें जलन होती है, हम कहीं हीट वाली जगह में जाते हैं तो जलन होती है, सन के अंडर जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ जलन होती है। वो एक सबसे बड़ा कारण है बरसात के मौसम में। हमें कुछ नहीं करना है, हमने सिंपल नैपकिन सा लेना है ऐसे, और उसको सिंपली ऐसे एब्जॉर्ब करना अपनी स्किन को, बस उसको करके तो डिस्ट्रॉय कर देना। और ये बड़ा एक घर का घरेलू नुस्खा है। और रही बात अल्ट्रावायलेट रेज की या स्किन बर्न के इश्यूज हैं जो इस मौसम में, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे मैं पहले भी कई चैप्टर्स में बता चुका हूँ कि 1, 2, 3 तक तो हम पहुँचते नहीं हैं क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस हैं, तो हम 3, 4 को लेके या 4, 5 को लेके चलते हैं नॉर्थ इंडियंस स्किन टाइप। तो आपका स्किन का टाइप क्या है, वेदर क्या है, उस हिसाब से आपको सनस्क्रीन लगाना है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके। फिर नाइट कुछ सीरम्स हैं अकॉर्डिंग टू, वो भी एज डिपेंड करता है कि क्या लगाने हैं सीरम्स में, क्या लगाना है हमें, मतलब कौन सी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटर है, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बड़ी बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि उनकी स्किन जो है वो रेड हो रही है, धूप में कहीं ना कहीं स्किन रेड हो जाती है और उससे उन्हें जलन भी महसूस होती है, और बरसात का मौसम है, स्किन एलर्जीज भी जो है होती है, उससे किस तरह से हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमें बार बार स्किन को रगड़ना नहीं है, उसको सिंपली नैपकिन से सक करना है, सोखना है उसको, और उसके बाद अच्छा सा कोई सनस्क्रीन या स्किन रिपेयर क्रीम लगा लेना है, और अच्छी डाइट रखनी है, पानी पीते रहना थोड़ी थोड़ी देर में जी। और बस ऐसे ही आप ख्याल रख सकते हैं। बड़ी बार ऐसा होता है कि हम सनस्क्रीन ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं अच्छा क्वालिटी वाला हम सनस्क्रीन ले रहे हैं, लेकिन लोगों को SPF का ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। हमारी स्किन के अकॉर्डिंग, इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग, कितना SPF जो है लेना ज़रूरी है? अगर हम ज़्यादा SPF यूज़ करते हैं, क्या वो हमारे लिए हानिकारक है, या अगर हमें कितना उसका ड्यूरेशन है? बिल्कुल, ये फॉलो करते हैं हम सभी लोग, जो डर्मेट हैं वो सभी फॉलो करते हैं फिट्ज़पैट्रिक चार्ट को, ठीक है। तो फिट्ज़पैट्रिक चार्ट के अकॉर्डिंगली 15+ से स्टार्ट हो जाता है सनस्क्रीन, SPF जो आपका 30+, 50+। ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम 80+ लगा रहे हैं तो वी आर इन सेफर हैंड, नो, नॉट एट ऑल। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप वी हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ ए डॉक्टर जी। तो क्या कहना चाहेंगे, हमेशा आप होम रेमेडी जो है वो देते हैं, क्योंकि हम बड़ी बार ऐसे कुछ नुस्खे भी हम देखते हैं, लाइक हम यूट्यूब पे देख लें या गूगल पे देख लें, तो उस पर मिलते हैं नाइट चार्ट दिया जाता है कि हमें फेस पे क्या कुछ अप्लाई करना चाहिए, तो ओवरनाइट के लिए क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप लाल चंदन, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का लेप लगा लें, और उसका रेशो सेट करना पड़ता है, तो ये दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी एवर। इक्वल क्वांटिटी में उसे मिक्स करना है? हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल में करना है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि किसकी स्किन क्या है, और इसको रगड़ना नहीं है, आपने रात को लगाना, आधे घंटे बाद फेस धो लेना जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के। तो हमारे साथ डॉक्टर अमित जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि इस बढ़ती हुई गर्मी में अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। इसके लिए आपको सनस्क्रीन भी बता दिया है कि आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली अपना जो सनस्क्रीन है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपने होम रेमेडी बताई, ये सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो ये जो होम रेमेडी इन्होंने बताई है, चंदन लेना है और लाल चंदन, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी, और हल्दी, तो ये तीन चीज़ें जो है आपको अपने फेस पे अप्लाई करनी, आधे घंटे के बाद धो देना। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ज़रूर ग्लो करेगी। अगली बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। विजुअलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जगो।